गाइस फाइनली यहाँ पर हरेला कट चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आए हो अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। और आज है हरेला, तो आप सब लोगों को हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो काम सारा निपट चुका है, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ मैं, और अभी बन रही है चाय। तो अभी बन रही है चाय यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने रात को देखा था हरेला गोड़ते हुए, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हरेला कट कैसे करते हैं और हरेला कैसे पूजते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लॉग होने वाला है, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और इसके बाद आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है एक बहुत बड़ा वाला। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। तो अभी मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। यहाँ पे आलू मैंने रख दिए हैं बॉइल्ड होने के लिए। चलिए गूंदते हैं आटा। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ कमरे में, और आलू बॉइल्ड होने के लिए रख दे हैं, आटा गूंद के रख दिया है। अब बनाए, पापा ने बोला सब कुछ ये कर दो, बनाऊंगा मैं। तो मम्मी जा रही है टमाटर वगैरह कसने के लिए, और बाकी मैंने सब कुछ कर दिया है किचन में। अब पापा नहाने गए हैं, उसके बाद पापा बनाएंगे। और हर्षू हमारा देखो, हर्षू हमारा खेल रहा है। अभी मुझे कमरे की सफाई करनी है क्योंकि शाम को मैं कहीं जा रही हूँ, तो उससे पहले मुझे सब कुछ सही यहाँ फिट एंड फाइन करके जाना है। बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी और इसमें हर्षू ने पॉटी कर दी, तो अब मुझे ये चेंज करनी पड़ रही है। तो चलिए करते हैं चेंज और मिलते हैं उसके बाद। गाइस यहाँ पर बेड वगैरह सब कुछ साफ हो चुका है। हर्षू ने मेरी आवाज़ सुन ली, यहाँ से मैं कैमरे में बात कर रही हूँ, देखना कैसे आ रहा है। मतलब कैमरे का इतना शौकीन है ना। हाँ, तो अभी कपड़े धोने हैं बहुत सारे क्योंकि बैग्स वगैरह चेंज की है, तो वो धुलनी है। अभी हर्षू को भी नहलाना है, इसे नहाया नहीं है अभी, बनाने गए हैं, उसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी और फिर मशीन वगैरह सब कुछ साथ में लगा के आ जाऊंगी। फिर हम पूजेंगे हरेला, और ये मेरे गुन्नू का फर्स्ट हरेला है, मेरा बाबू का फर्स्ट हरेला है। और हाय 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 हाय, क्या हो रहा है भाई? ये क्या जय 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 कैसे करते हैं? जय सो यहाँ पर अभी हरेला कटिंग की तैयारी हो रही है, पापा कर रहे हैं पूजा, और हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। हमारा अच्छू भी यहाँ पर बैठा हुआ है ना? अच्छू, अच्छू को मिली है चॉकलेट, काला बता देना जराती, जिससे कट करेंगे।
सो गाइस फाइनली यहाँ पर हरेला कट चुका है। तू क्या चल रहा है? जय हो भगवान जी। तो अब यहाँ पर जो ये हरेला कट किया है थोड़ा थोड़ा करके सबको पूजा जाएगा और सबके सर पर रखा जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि इस बार मंदिर में नहीं चढ़ता है तो पापा ने यहाँ पर रख दिया है मंदिर के साइड में और अभी लगा रहे। जय भगवान जी। जानू ना है मेरे बाबू को यहाँ पहले पहले हजाओ जान जी भगवान जी है वो मेरे बाबू का कुकु कुक नाम बनाया। हाँ खूब बड़ा बड़ा बना देना मेरे बाबू को। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जी। खूब जान बनाया इनकी नमाज सबको बैठना रह जा खूब जान है। हाँ जय हो भगवान। जय हो जय हो लाल हरेवा लाल पंचमी लाल सिंह आगो भाई लाल जरो 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 तो गाइज यहाँ पर काम वाम करके मैं आ चुकी हूँ और हर्षू खा रहा है ला रही है बच्चू को लोटी खिला रही पूली खा ला पूली और पापा बना रहे हैं। मैं अपना काम करके आ चुकी हूँ पापा बना रहे हैं पूरी क्योंकि पापा ने बोला आज मैं बनाता हूँ तो पापा बना रहे हैं और बस आप खाते हैं क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और 12:30 हो चुके हैं तो आप करते हैं हम भी खाते हैं खाना दिन का और सुबह का मतलब ब्रंच ब्रंच बोल सकते हैं हम इसको एक साथ हो गया सब कुछ। आज हम जल्दी उठ गए नहीं हम डेली इसी टाइम पर उठते हैं ऐसी कोई बात नहीं है बट ये था कि ना इस बार मंदिर वगैरह में चढ़ना नहीं था तो थोड़ा सा आराम आराम से किया सारा काम। बाकी आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी नीचे ये पूड़ी और ये पकौड़ी मंदिर में चढ़ाने के लिए क्योंकि हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होता है पहले मंदिर में चढ़ाया जाता है तो मैं लेके आ गई हूँ पूड़ी मंदिर में रखने के लिए। मतलब त्यौहार के दिन घर में जो पकवान बनते हैं वो हम मंदिर में रख सकते हैं क्या हम हमेशा रखते हैं बट इस बार जो भी हम रखते थे बट इस बार नहीं रख सकते। तो अभी मैं ले चलती हूँ इनको ऊपर पापा ने मंगाया है ऊपर इसको यहाँ पर नहीं रखती ना इसको यहाँ रख देती हूँ भगवान जी के पास। हाँ तो हमने इस बार पकौड़ी बनाए हैं क्योंकि लास्ट हर टाइम हम लोग ना बड़े बनाते हैं जो दाल के होते हैं ना वो बट रात को हम लोग ना दाल भिगाना भूल गए तो मतलब त्यौहार में बड़ा बड़े जो बनाते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं वो बनाना कंपलसरी होता है बट इस बार हम लोग भूल गए तो कोई नहीं पापा ने बेसन की पकौड़ियाँ बना दी हैं। अभी चलते हैं ऊपर इन सबको लेके यहाँ पर मैंने बाबू के पाउडर वगैरह भी रख दिया है तो बंद करो तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर। असली हरेला तो हर्षू ने कट किया है तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि हरेला कैसे पूजा जाता है।
मम्मी बात कर रही हूँ, बड़ी दीदी का फोन आया है और भैया आए हुए थे हरेला देने के लिए। मतलब हमारे यहाँ से जो रिलेटिव्स होते हैं एक दूसरे को त्यौहार भी देते हैं, तो इसलिए भैया आए हुए थे। और बस इतनी यही होता है। अब इसके बाद हम लोग घर में जो भी आज त्यौहार है तो पकवान बनेंगे, पूरी खीर वगैरह जिसके मन में जो है वो बना सकता है, उसके बाद तो खाएंगे, बस हो गया त्यौहार। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे पूजा करते हैं रेले की और कैसे कट करते हैं, कैसे पूजते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सरप्राइज ब्लॉग जो है वो मैं थोड़ी देर बाद शूट करूँगी, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट ब्लॉग वही होगा। तो आई होप आप सब लोगों ने मेरा ब्लॉग इंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।